नमस्कार, मैं मनीष। मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप कैसे इस फील्ड में आए, आपको कैसे आयुर्वेद में भरोसा हुआ और आपको क्यों इतना विश्वास हुआ कि हर बीमारी ठीक की जा सकती है। तो मैं अपनी बात बता देता हूं। जब मैं छोटा था, लगभग 12 साल से लेकर 17 साल की उम्र के 18 साल के बीच में, मैं हर 3-4 महीने में बहुत बीमार हुआ करता था। मैं डॉक्टर के यहाँ जाता था, एडमिट होता था, मेरा पेट खराब हो जाता था, कभी मुझे उल्टियां लग जाती थी। इवन कि उस टाइम मेरी मदर, मेरे फादर ने मेरे को आईसेट वीक हो गई थी, मुझे चश्मा लग गया था। इसके अलावा मैं बिल्कुल सिंगल हड्डी, दुबला पतला था। इवन कि जब मैं 22 साल का था तब भी मेरा वजन 39 किलो था, तो आप सोचिए मैं कितना पतला था। और मुझे खाया पिया नहीं लगता था, मैं वजन बढ़ाने के सिरप, टैबलेट्स, पता नहीं क्या क्या उस टाइम डॉक्टर से लिया, नहीं बढ़ता था। और बहुत ज़्यादा कमज़ोर, हर 3-4 महीने में बुखार हो जाना, कभी जॉन्डिस हो जाना, कभी निमोनिया हो जाना, कभी एडमिट हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही थी और मैं बहुत परेशान रहता था। इवन कि एक बार तो ऐसा हुआ, जब मैं 16 साल का था, मेरी मदर ने मेरे वजन के बराबर, वजन तोल के, हमारे एक रिवाज होता है कि नज़र उतारते हैं, शनि को दान देते हैं, तो वो भी गेहूं, तिल, सब कुछ भी किया था और खूब एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाइयां खाई थी, लेकिन मुझे कोई दवाई काम नहीं करती थी। उस वक्त मेरे एक मौसा जी जो कि श्री गंगानगर राजस्थान में रहते थे, मैं उनके पास अपने ट्रीटमेंट के लिए गया। 3 महीने उन्होंने मुझे अपने घर रखा, अपने यहाँ अपने हिसाब से मुझे खाना पीना खिलाया और मैंने एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन पे पूरा काम किया। उस 3 महीने में मेरा 12 किलो वजन बढ़ा, पहले महीने 5 किलो, अगले महीने 3 किलो, तीसरे महीने 4 किलो। उस टाइम से लेके आज 24 साल हो गए, मेरा फील्ड यही बन गया, क्योंकि मैंने वहां जब देखा लोगों को ठीक होते हुए आयुर्वेद की शक्ति से, जड़ी बूटियों से, अश्वगंधा से, शतावर से, लोगों को ठीक होते हुए और खाना पीना सेट करके, क्योंकि बहुत सारी हम गलतियां करते हैं जो हमें पता नहीं चलती, और वहां से मेरी जिंदगी में परिवर्तन हुआ, वहां से मेरा मन आयुर्वेद की तरफ झुका और फिर मैंने अपनी स्टडीज, पढ़ाई लिखाई, मेरा इंटरेस्ट योगा, मेडिटेशन, खान पान, लाइफ स्टाइल की तरफ चला गया और मैं इस फील्ड में आ गया। और आज पूरे भारत के हर महीने हजारों लोग हमारे संस्थान से आयुर्वेद की शरण में आके ठीक हो रहे हैं। आज 150 से ज्यादा डॉक्टर्स हमारी संस्था में काम करते हैं, लगभग 1500 के लगभग हेल्थ कंसल्टेंट्स काम करते हैं, डाइटिशियंस काम करते हैं, MBBS काम करते हैं, BHMS काम करते हैं, लगभग 2500 लोगों की टीम हमारी संस्था के साथ काम करती है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ एक विजन और मिशन के साथ कि पूरे भारत के हर व्यक्ति को हमने स्वस्थ करना है। मुझे उस वक्त किसी ने सही सलाह नहीं दी थी, इसलिए मैं ठीक नहीं हो पाया। जब मैंने किसी पे विश्वास किया, किसी पे को सरेंडर कर दिया अपने आप को, तो मैं ठीक होना शुरू हो गया। उसी तरह आप भी डॉक्टर को सरेंडर हो जाइए, लेकिन किस डॉक्टर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक डॉक्टर को। आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए, BAMS डिग्री के वालों के पास, क्योंकि वो जो दवाइयां देते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जड़ी बूटियों की बनी दवाइयां बिना साइड इफेक्ट के हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर से ठीक करती हैं। और मैं आपको एक बात और बोल देता हूं, हमें किसी ने बचपन से सिखाया ही नहीं कि मित्र रोग क्या है और शत्रु रोग क्या है। फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, बुखार, ये मित्र रोग है, यानी कि ये रोग आपके भले के लिए आते हैं, यानी कि बॉडी अपनी क्लीनिंग करती है, बॉडी अपनी शुद्धि करती है। और शत्रु रोग तो सभी रोग हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान और चाहते हैं समाधान, तो आयुर्वेद ही आपकी मदद कर सकता है, आयुर्वेद ही देश की मदद कर सकता है। अगर आप बॉडी की शुद्धि कर लें, डिटॉक्स कर लें, तो आने वाले टाइम में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, कोई भी बीमारी का आक्रमण आप पर नहीं होता और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो पूरे भारत से एक अपील कि हर हफ्ते में एक दिन उपवास रखें, अपनी बॉडी की क्लीनिंग करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, शुद्धि करें और शरीर को स्वस्थ बनाएं, और हमारी भी मदद करें, अपनी भी मदद करें और लोगों को बताएं कि आयुर्वेद ही एक ऐसा विज्ञान है जो बीमारी की जड़ पर काम करता है। धन्यवाद।